तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के बारे में, जहां पर आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं पे करनी पड़ेगी, कोई भी आपको यहां पे एनुअल मेंटेनेंस फी नहीं पे करनी पड़ेगी। यानी कि आप इस कार्ड को फ्री में लाइफ टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस कार्ड के अंदर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस देखने को मिलता है, इस कार्ड के अंदर आपको रेफरल प्रोग्राम देखने को मिलता है। यानी अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको यहाँ पर 2500 पॉइंट का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है। उसके अलावा अभी के टाइम में आप इस कार्ड को रेफर करके भी अप टू 750 रुपीज़ तक पर रेफरल अर्न कर सकते हो, और इसका भी मैं आपको लाइफ प्रूफ देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस कार्ड का नाम है वन कार्ड क्रेडिट कार्ड को अभी के टाइम में फ्री में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी, कोई भी एनुअल फी पे नहीं करनी पड़ेगी, और इस एप्लीकेशन को यानी कि वन कार्ड को आप रेफर करके भी पर रेफरल 750 रुपीज़ अर्न कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे मेथड हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ अर्न कर पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वन कार्ड के लिए कैसे आपको अप्लाई करना होगा, कैसे यहाँ पे वन कार्ड एप्लीकेशन के अंदर आपको अपने कार्ड को एक्टिवेट करना होगा, कैसे इस एप्लीकेशन को रेफर करना होगा, कैसे आपकी अर्निंग होगी, आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आप वन कार्ड क्रेडिट कार्ड को कैसे फ्री में लाइफ टाइम के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वन कार्ड को फ्री में अप्लाई करने का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सब देख सकते हैं, यहाँ पर जो वन कार्ड की रेटिंग है 4.5 की है और 10 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन का डाउनलोड हो चुका है। तो ये जो वन कार्ड है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप यहाँ पर जीरो फी के साथ इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी, कोई भी एनुअल फी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए, आपको सिंपली करना क्या होगा, ओपन पे क्लिक करना होगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद से आपको परमिशन को अलाउ करना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना होगा। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, और यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके बैंक से लिंक हो, आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि जो आपका कार्ड है इजीली अप्रूव हो जाए। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से नेक्स्ट पेज पर आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। ईमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर को एंटर करना होगा। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन का एक 4 डिजिट का पिन क्रिएट करना होगा। पिन को यहाँ पे फिर से री एंटर करना होगा। पिन को री एंटर करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद से कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव अनलॉक अ मेटल वन कार्ड। और नीचे आपकी लिमिट देखने को मिल जाएगी कि आपके कार्ड के अंदर कितनी आपको लिमिट अप्रूव हुई है। जैसे कि मेरे कार्ड के अंदर 85,000 रुपीज़ की लिमिट अप्रूव हुई है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट भी देखने को मिल सकता है आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे गेट वन कार्ड पर क्लिक कर देना होगा। गेट वन कार्ड पर ऐसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इस कार्ड के अंदर कोई भी ज्वाइनिंग फी, कोई भी एनुअल फी नहीं देनी पड़ेगी, और आप इस कार्ड को इस एप्लीकेशन के थ्रू यानी कि वन कार्ड एप्लीकेशन के थ्रू फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, अगेन आपको यहाँ पे गेट वन कार्ड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर कुछ इस तरह स्पेस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपने मदर नेम का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद से आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ से आपको अपनी मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद से आपको नीचे अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं। देन आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एनुअल इनकम का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी एनुअल इनकम चूज़ कर लेनी होगी किस रेंज में है। उसके बाद से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आर यू रिलेटिव ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, नो पे क्लिक करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह स्पेस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, लोकेशन के लिए परमिशन को अलाउ करना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह स्पेस देखने को मिलेगा। तो अब आपको सिंपली करना क्या होगा, अपनी KYC कंप्लीट करनी होगी, जो कि आपके आधार कार्ड थ्रू इजीली हो जाएगी। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना होगा। आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर ऊपर 3 स्टेप देखने को मिलेंगे, डॉक्यूमेंट KYC का, लोकेशन ऑफ विजिट का, और यहाँ पे टाइम स्लॉट का। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा।
देन जो आपके आधार कार्ड से लिंक एड्रेस होगा आपको देखने को मिलेगा, आपको सिंपली एड्रेस सेलेक्ट करना होगा या आप यहाँ पे न्यू एड्रेस पे क्लिक करके एक नया एड्रेस भी ऐड कर सकते हो। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे अपना लोकेशन सेलेक्ट करोगे, टाइमिंग सेलेक्ट करोगे कि आप किस टाइम में अपॉइंटमेंट अपना बुक करना चाहते हो, उस टाइम में जो आपका अपॉइंटमेंट होगा बुक हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट और टाइमिंग सेलेक्ट कर लिया, आपको सिंपली करना क्या होगा, डेट और टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद से कंफर्म पे क्लिक कर देना होगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद से जो आपकी अपॉइंटमेंट है बुक हो जाएगी। तो आप अपने जिस डेट को अपॉइंटमेंट बुक किया होगा उस दिन आपको यहाँ पे वन कार्ड की ओर से एक पर्सन आपके घर पे विजिट करेगा या आपके लोकेशन पे आएगा और आपके डॉक्यूमेंट को यहाँ पे वेरीफाई करेगा, यहाँ पे आधार कार्ड की फोटो क्लिक करेगा, आपकी फोटो क्लिक करेगा। देन जो आपकी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और अगर आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ पे वीडियो केवाईसी के थ्रू भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहने वाला है वन कार्ड क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का। जैसा आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है, आपके घर पर डिलीवर हो जाता है, देन आपको सिंपली करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पर आना होगा और यहाँ आपको वन कार्ड एप्लीकेशन को अपने फोन में ओपन करके यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद से एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे कार्ड के अंदर जो लिमिट है 5000 रुपीज की शो हो रही है। आप यहाँ पे कार्ड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कार्ड भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद से अगर आप यहाँ पे ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने अपने कार्ड के थ्रू कहाँ कहाँ स्पेंड किया है और आपको यहाँ पे कितने कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा गिफ्ट बॉक्स का। तो यहाँ पे जैसे आप गिफ्ट बॉक्स वाले ऑप्शन में आएंगे तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि अवेलेबल पॉइंट में यहाँ पे 62,467 पॉइंट्स हो रहे हैं जो कि हमने इस एप्लीकेशन पे साइन अप बोनस पे अर्न किया है, इस एप्लीकेशन को रेफर करके अर्न किया है और यहाँ पे जब भी कोई कॉन्टेस्ट आता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करके अर्न किया है। और यहीं पर अगर आप सेम पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा रेफर अ फ्रेंड एंड गेट 2500 रिवॉर्ड पॉइंट व्हेन योर फ्रेंड एक्टिवेट्स देयर वन कार्ड। तो अगर आपका फ्रेंड आपका रेफरेंस यहाँ पर वन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, उसका कार्ड अप्रूव हो जाता है और वो अपने कार्ड को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है, यानी कि वन कार्ड एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके अपना पिन जनरेट कर लेता है, तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने मिल जाते हैं। तो यानी कि अभी के टाइम में आप इस कार्ड को रेफर करके डायरेक्ट यहाँ पे 2500 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हो। और ऊपर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑफर का, ऑफर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेफर टू फ्रेंड एंड गेट 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे इस कार्ड को अगर दो लोगों को रेफर कर देते हो तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट और देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे रेफरल पे 2500 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करोगे और फर्स्ट टू रेफरल पे यहाँ पे आपको 10,000 और रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। तो रेफर करना बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको रिडिम्पशन लिंक पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे जो रेफरल लिंक होगा देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ से आपको अपने लिंक को कॉपी करना होगा या शेयर पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको वन कार्ड को रेफर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और सेम पेज पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको रेफरल एक्टिविटी में देखने को मिल जाएगा कि मैंने यहाँ पर वन कार्ड पे 2500 करके कितने रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किए हैं और यहाँ पर मुझे 5000 और 10,000 का रिवॉर्ड पॉइंट भी अर्न हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर बोनस में अर्न किया है। उसके अलावा अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और यहाँ पे ऐड ऑन कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे अपने फैमिली में किसी के लिए वन कार्ड अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट और देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे 1,000 रुपीज़ के इक्वल होने वाला है। यानी कि यहाँ पे वन कार्ड पे अगर आप 1,000 पॉइंट अर्न करते हो तो 100 रुपीज़ के इक्वल होगा। अगर आप हमें 10,000 पॉइंट अर्न करोगे तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन पे डायरेक्ट रेफर करके 2500 पॉइंट अर्न करोगे तो आपको 250 रुपीज़ मिल जाएगा और ऑफर वाले पेज के अंदर यहाँ पे फर्स्ट टू रेफर कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आपको 10,000 पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फर्स्ट टू रेफरल में 1,500 रुपीज़ की यानी कि 1,500 रुपये की इनकम हो जाएगी। रिवॉर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट देखने मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे इन पॉइंट को रिडीम करना है रियल कैश में तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यूज़ पॉइंट पे क्लिक करना होगा, 1,000 सेलेक्ट करना होगा, 1,000 पे सब स्वाइप करोगे, यहाँ पे आपको होल्ड करना होगा, होल्ड करने के बाद से आपको स्वाइप डाउन कर देना होगा। जैसा आप यहाँ पर स्वाइप डाउन करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर 1,000 पॉइंट के बदले में यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ का रियल कैश मिल गया है। यानी कि अगर आप इस एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाते हो, यहाँ पे कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे एटलीस्ट फर्स्ट टू रेफरल कंप्लीट कर लेना है जिससे आपको यहाँ पे 15,000 पॉइंट मिल जाएंगे और 15,000 पॉइंट को रिडीम करोगे तो आपको यहाँ पे 1,500 रुपये मिल जाएंगे। और वो रुपये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे तो आपको सिंपली करना क्या होगा, बैक आना होगा, होम पे क्लिक करना होगा। होम पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपकी कार्ड की लिमिट होगी उसमें ये जो पैसे होंगे ऐड हो जाएंगे। देन आप यहाँ पे वन कार्ड को यूज़ करके शॉपिंग कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, फ्यूल ले सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो पैसे होंगे जो भी आप यहाँ पे रिडीम करोगे आपके वन कार्ड के अंदर ऐड होंगे जो कि आपका क्रेडिट कार्ड होगा। तो आप इस कार्ड के अंदर पैसे ऐड करेंगे, इस कार्ड का यूज़ करके शॉपिंग करेंगे, यूज़ करेंगे, इस तरह से आप इन पैसे को यूज़ कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस था यहाँ पे वन कार्ड को अप्लाई करने का, वन कार्ड को रेफर करने का और यहाँ जो भी आपकी अर्निंग होगी उसे रिडीम करने का। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम मिलते हैं कैसी वीडियो साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।